देवरा पार्ट वन फाइनली आ चुकी है, तो क्या ये एंटरटेनिंग है? चलिए जानते हैं। देवरा को किसी ने अगर कैरी किया है अपने कंधों पर तो वो है दो लोग। सबसे पहले है जूनियर एनटीआर और फिर इस मूवी के म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर अनिरुद्ध ने। जूनियर एनटीआर का इसमें डबल रोल है और वो दोनों में शाइन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनकी देवरा के रोल में नजर आती है। जूनियर एनटीआर एक स्ट्रॉन्ग एक्टर है और उनको बस एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो कि उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर सके, और उनकी ही परफॉर्मेंस ने इस मूवी को एंड तक एंगेजिंग करके रखा था। जूनियर एनटीआर एज देवरा काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि डर से अपने लोगों को बुरे काम करने से रोकता है, और यही डर को फिल्म अच्छे से एस्टेब्लिश करती है। जूनियर एनटीआर ने अपने मास मूवमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं और फिल्म के इमोशंस दो ट्रैक्स पे चलते हैं, हिम्मत एंड डर, और ये दोनों इमोशंस को जूनियर एनटीआर सही तरीके से कैरी करते हैं। जूनियर एनटीआर के देवरा कैरेक्टर में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है और आगे उनको क्या करना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन सही किया है। और उनको फाइट्स करते हुए देखना एक ट्रीट है आंखों के लिए, जहां पर फर्स्ट हाफ के फाइट्स मजे देते हैं लेकिन सेकेंड हाफ के फाइट्स स्पेशली क्लाइमेक्स का अंडरवाटर फाइट सीक्वेंस आपको लेट डाउन करता है, क्योंकि कोई इनोवेशन नहीं हुआ है और सेम फाइटिंग स्टाइल को बार बार रिपीट किया जाता है। और आप सोचोगे कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ के फाइट सीक्वेंसेस में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। अनिरुद्ध के बीजीएम ने इस मूवी को एक नई जान दी है और वो कितना इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के सीन्स को एलिवेट करने के लिए। अनिरुद्ध का म्यूजिक एंगेजिंग है और वो हाई मूवमेंट्स को और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। जब आप इसको एक पैक्ड ऑडियंस के साथ देखोगे, देवरा के मास मूवमेंट्स को अनिरुद्ध अच्छे से पैकेज करके हमको प्रेजेंट करते हैं। सैफ अली खान की बात करें तो बहरा एक माइंड गेम्स खेलने वाला और मैनिपुलेटर बंदा है जो कि सही टाइम आने पर अपनी चाल चलता है, और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है सैफ ने भी। बस उसको और थोड़ा एनहांस करके प्रेजेंट कर सकते थे कि वो एक अकेला ही बंदा है जो कि देवरा के सामने खड़ा तो हो सकता है। जाह्नवी कपूर की बात करें तो जाह्नवी का रोल एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह नजर आता है। जाह्नवी बहुत ब्यूटीफुल नजर आती है इस फिल्म में और मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ जाह्नवी की डायलॉग डिलीवरी से, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी पहली तेलुगु फिल्म है। जाह्नवी की कॉमेडी आपको कुछ कुछ जगहों पर हंसाती तो है, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट हुआ है ये देखना होगा, क्योंकि मैंने इस मूवी को ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में ही देखा है और मैं होप करता हूँ कि जाह्नवी का रोल पार्ट टू में और ज्यादा हो। जिस बात का डर था सबको कि इसका VFX एंड सेट डिजाइन काफी आर्टिफिशियल लग रहा है, ट्रेलर को देखकर मुझे ये बताते हुए खुशी मिल रही है कि फिल्म का VFX अच्छा है, कहीं पे भी आपको ये लगेगा नहीं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स फील हो रहा है। हाँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी VFX वर्क नहीं हुआ है, लेकिन स्टैंड आउट करे ऐसे सिर्फ दो या तीन सीन्स ही होंगे, और ओवरऑल पूरे फिल्म में VFX का काम अच्छा हुआ है जो कि उसके सेट डिजाइन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि सेट्स भी बहुत ही अच्छे दिखाए गए हैं। एंड ऑल थैंक्स टू इसकी सिनेमेटोग्राफी, देवरा की सिनेमेटोग्राफी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कई सारे शॉट्स को ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है और वो देखकर मजा आ गया, चाहे वो डे या नाइट के सीन्स हो या फिर लैंड एंड वाटर के, हर जगह इसकी सिनेमेटोग्राफी ने बढ़िया काम किया है। फिल्म की माइथोलॉजी एंड वेपन्स वर्शिप एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस आइलैंड के अपने ही रूल्स है जो कि एंटरटेन करते हैं। देवरा अपने थीम्स एंड ड्रामा को एंड तक पकड़ कर रखती है और कभी भी उसको छोड़ती नहीं है। यही थीम्स फिल्म को इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग करके रखते हैं और आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी बने रखते हैं कि देवरा एंड वरा किस हद तक जा सकते हैं इस कहानी एंड डर को बनाए रखने के लिए। इमोशनली फिल्म वर्क करती है और प्रेजेंटेशन के मामले में वो हाई मूवमेंट्स देती है, स्पेशली प्री इंटरवल एंड इंटरवल के टाइम पे। देवरा का फर्स्ट हाफ एक अच्छे फ्लो में चलता है और प्लॉट को सही तरीके से एस्टेब्लिश करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है, लेकिन इसका सेकेंड हाफ कुछ कुछ जगहों पर ड्रैग करता है और जो अननेसेसरी सीन्स थे उसका पे ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, इसलिए वो सीन्स बाद में लगता है कि क्यों ही उनको इतना टाइम दिया गया सेटअप करने के लिए, और लगता है फिल्म के स्क्रीन प्ले अगर दूसरी जगह पे फोकस करता तो और भी अच्छा होता, या फिर जिन सीन्स को सेटअप किया गया है उनको वो और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन इसके क्लाइमेक्स के ट्विस्ट ने इस फिल्म को बचा लिया।
और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट बनी रखती है कि आगे क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसके दो ट्विस्ट में से एक ट्विस्ट को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दोगे, या फिर दोनों ट्विस्ट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा इसके ट्विस्ट को देखने के लिए। और पर्सनली मुझे ये ट्विस्ट अच्छा भी लगा है और दुख भी हुआ है। दर्द क्यों हुआ है ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चल जाएगा। फिल्म से इजीली 10 to 15 मिनट्स के सीन्स को एडिट किया जा सकता था और उसकी जगह कुछ और सीन्स को इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा चुट्टमले सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग अच्छा है नो डाउट, लेकिन जिस कारण की वजह से वो सॉन्ग आया था, वो सॉन्ग खत्म होने के बाद डायरेक्टर भूल ही गए कि आगे करना क्या है। आपने उस गाने को सेटअप दिया, गाना हो गया, लेकिन उसको एंडिंग दी ही नहीं, और डायरेक्टर ने जानवी एंड वरा की रिलेशनशिप को टोटली इग्नोर ही कर दिया। एटलीस्ट एक सीन तो डाल सकते थे उसको प्रॉपर तरीके से एंड करने के लिए। डायरेक्टर कोटाला शिवा की बात करें तो उन्होंने खेला है इस बार अपने स्क्रिप्ट के साथ और सब कुछ डालने की कोशिश की है, और अपने फियर के थीम को अच्छे से एक्सप्रेस किया है, ड्रामा वाले पोर्शंस को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, और पार्ट टू का जो हुक है वो जरूर इंस्पायर्ड है, लेकिन आपको एंड में और चाहिए होगा ऐसा कहने पर आपको मजबूर कर देगा। आई होप कि पार्ट टू में वो अपनी स्क्रिप्ट को और टाइट रखेंगे और अननेसेसरी सीन्स को इंक्लूड ना करें और अपने फाइटिंग स्टाइल में चेंजेस लाए। ओवरऑल देवरा एक पक्का मास कमर्शियल फिल्म है जो कि आपको एंटरटेन करती है, एंड इन टोटल ये जूनियर इंटर का ही शो है और वो अपने मासी तरीके से देवरा को रूल करते हैं। और फिल्म अपने ड्रामा थीम्स एंड फर्स्ट हाफ के एक्शन एंड ट्विस्ट के साथ आपको एंड तक एंगेज करके रखती है। एक पैक क्राउड के साथ देखने में ये आपको और मजा आएगा। तो आपको देवरा मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इसके एंडिंग को लेकर मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करे और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।